लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Debron, check the body. Suri. Yeah. Shoot him. See if I care. Hey, Sam! Sam, kya bol rahe ho, Sam? Bhaiya! हमारे धंधे में जज्बात को नहीं पैसे को देखना चाहिए, डॉलर। ठीक है ब्रायन, लेकिन हमारे डॉलर्स का क्या हुआ? फॉरेन ड्रग्स को कैश कर दो, वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। मैं इटालियन से मिल चुका हूँ। मैक्स तुम्हारा स्टॉक लेने के लिए तैयार है, बस हम उसी से तो मिलने जा रहे हैं। हाँ? हाँ? मेरे विन्यार्ड पर। ये रहा ब्रायन का विन्यार्ड। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है। नाइस, इट्स वेरी गुड डील। आदित्य, कैन हैव योर कैमरा प्लीज? या श्योर। थैंक यू। गुड, टेक सम पिक्चर्स। भटनागर, हां, अलीशा का ख्याल रखना। हां, एंड अलीशा, यू लुक ग्रेट टुडे। मैं दो मिनट में आया, ओके? सो स्वीट।
ब्यूटीफुल। अंसारी के साथ इधर ही मुलाकात हो। क्या स्टाइल में बैठे हैं। इत्मीनान होए। सौदा हो रहा इटालियन से। एक्सक्यूज मी। क्या मैं आप लोगों की फोटो ले सकती हूँ? ओ बिरादर फोटो। स्माइल प्लीज। वैसे स्माइल के बिना भी चलेगा। ये भाई समझा जा। भटनागर भटनागर ये भाई रोल निकाल लो। भटनागर ये खा मखा का तकलीफ। भटनागर 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 कहाँ तुम? What the hell? क्या हो रहा है यहाँ पर? हैं? रोल क्यों निकाला तूने? हैं? कैमरे को हाथ क्यों लगाया? चुप रह कंजर का बच्चा। भटनागर। तुम तो जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। छोड़ो मुझे। Cheers! Surprise! Surprise! बिन बुलाए मेहमान को कोई भी पसंद नहीं करता। क्यों? जज्बाती मत बनो सैम। ए सैम, ये नाराजगी किस लिए है? नाराजगी नहीं, अफसोस है कि सुरमा वाली पार्टी कोई भी पक्का काम करना नहीं जानती। सैम, मुद्दे की बात करो, राइट? तो मुद्दे की बात सुनो। मर्दों की तरह सामने से वार किया करो। ये नकली पुलिस के पीछे छुप के वार करना ताली बजाने वालों का धंधा है। लेकिन वो काम तो इटालियंस का था। वो चाहते हैं कि इस कंसाइनमेंट के सारे निशान मिटा दिए जाए। झूठ बोलना आता नहीं और झूठ का व्यापार करोगे हैं? लोग अपनी हिफाजत के लिए हीरे पत्थर और तावीज रखते हैं, लेकिन मुझे लोहा बहुत रास आया है। इसी ने हमेशा मेरी हिफाजत की है। उन पांच को तो लिटा के आ रहा हूँ, अब तुम तीन भी मेरी हिट लिस्ट पर हो। ट्रंकीलो ट्रंकीलो, धंधे में खून खराबा। ब्रायन, मुझे इस सुरमा पार्टी के साथ आज के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। नाउ गुड बाय यू फिल्थी बास्टर्ड्स। आई कंट्रोल योरसेल्फ। सैम, पिस्तौल वापस रखो। हमें जज्बात से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है तो सिर्फ पैसे से। अब जो हुआ सो भूल जाओ। अब तुम भी ये ढोलक बजाने की आदत छोड़ दो। सैम, तुम दोनों हाथ मिलाओ। सैम, इनसे हाथ मिलाओ। शुक्रिया। शुक्रिया ब्रायन का अदा करो, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। खुलास वो मई चल 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 चल। ठीक है। द्राजिम मोई, द्राजिम। ये हमारा ब्रदर है। तो ये भी मेरा भाई है। फसाद करने को आया तुम खंजीर। युजान, क्या कर रहे हो? युजान, क्या कर रहे हो? लड़की से कैसे पेश आना चाहिए, इन लोगों को सिखाओ। अपना मकसद याद रखो युजान, औरत एहतराम लाजिम। तुम ठीक फरमाते हो अंसारी। ए वाहिद, माफी मांगो। सागवाज ब्रदर है, अच्छा होता कि हम कुत्ता होता। दराजिम, माफी मांगो। माफी है। दिमाग से कुंद है। टपरी के लिए आया इस मुल्क में हम। ओए मतलब टूरिस्ट। इस मुल्क में बिना पट्टे कुत्ते को ले जाना मना है। सही मशवरा दिया इन्होंने। किसी एक की गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तुम जाओ यहां से, चलो जाओ। आओ बिरादर आओ। इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ।
मिस्टर आर्य अंसारी, मैं ब्रायन के साथ बिजनेस करता हूं, फिर मुलाकात होगी, बाय। वो शिल्पा, शिल्पा का मर्डर जिन्होंने किया और वो ड्रग्स जिन्होंने खरीदे, वो ये तीन तो थे क्या? हाँ बंधु, एक और जरूरी समाचार है मेरे पास। ये अंसारी बिजनेसमैन नहीं है, पाकिस्तानी जनरल है। आईएसआई के स्पॉन्सर्स, अन्नदाता हैं ये लोग। रॉकी फाइल्स में मैंने इनकी तस्वीरें देखी हैं और ये लंबे लंबे ऊंट जो चले जा रहे हैं अफगानी हैं, पश्तू बोल रहे थे। लेकिन ये लोग स्विट्जरलैंड में क्यों हैं? यही तो पता करना है मुझे। आईएसआई, अफगानी, पाकिस्तान। शिल्पा का मर्डर, ड्रग्स का कंसाइनमेंट, सैम हंस, ब्रायन, प्रेसिडेंट, ये सब जुड़े हुए हैं। खंजीरों, सलाम। एक्सक्यूज मी सर, न्यू दिल्ली से अभी अभी अर्जेंट फैक्स आया है। थैंक यू। यस सर। परमार साहब, तुरंत मेरे दफ्तर में आइए। ओके सर। क्या बात है सर, कोई टेंशन? एनी बैड न्यूज सर? मे कम इन सर? कम इन सर। परमार साहब, डिफेंस मिनिस्ट्री से ये आदेश आया है, 24 घंटों के अंदर हमारी एम्बेसी का स्टाफ और लुकार्नो में रहने वाले हिंदुस्तानी नागरिकों की पूरी जानकारी उन्हें भेजनी है। यस सर। ये इंक्वायरी टॉप प्रायोरिटी और कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। लेकिन सर, इस रेड अलर्ट की कोई खास वजह सर? ये प्रश्न पूछना आपका काम नहीं है, सरकारी हुक्म मानने के लिए हमें यहाँ रखा गया है। राइट सर। प्रांतो सीसा में कोई परमार। हाँ परमार, बोलो। नई दिल्ली ने जांच कमीशन बैठाई, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली। Really? तुम्हारी फाइल भी खुलेगी। मेरी फाइल भी? अरे परमार, तुम्हारी दोस्ती फिर किस दिन काम आएगी भाई? हाँ वो तो ठीक है। अरे फिकर मत करो, 10,000 यूरो मिल जाएंगे तुम्हें। ओके सैम, डन। It's a beautiful place. Really? Thank you very much. परमार साहब, प्रेसिडेंट के लिए हमारे बिरसागो आइलैंड से अच्छी जगह नहीं मिलेगी आपको। जगह तो वाकई बहुत अच्छी है, इसे तो आपका टेंडर पास किया हमने। थैंक यू वेरी मच। वैसे द्वीप पर काफी कड़ी सुरक्षा है, किसी के आने जाने का कोई चांस नहीं। That's what we want. महापुरुष सैम, जो समाचार अब मैं तुमको सुनाऊंगा ना, उसको सुनकर तुम भी पूरी एक बोतल अपने हलक में उतार लोगे। सैम, हमारी एम्बेसी में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है और इस षड्यंत्र में मैं एक मिनट देखो। कौन है ये? माब्रोस, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। ब्रिसागो आइलैंड का मैनेजर बनकर इसने मुझसे टेंडर पास करवा लिया। कौन सा टेंडर? राष्ट्रपति और उनकी बेटी की छुट्टियों के लिए ब्रिसागो आइलैंड बुक किया गया था और उसका टेंडर मैंने पास किया था इसके लिए। राष्ट्रपति? हिंदुस्तान के राष्ट्रपति? यहाँ स्विट्जरलैंड में? हाँ, लेकिन अभी इस वक्त इसके चंगुल में है। यानी इसने किडनैप कर रखा है उन्हें और दुनिया बेखबर है। हाँ, लेकिन सब मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। सैम, हमारी एम्बेसी में कोई है जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है?
इसलिए तो ये सब फाइल्स वगैरह चेकिंग चल रही है ना। मेरे ख्याल से नई दिल्ली को भी संभालू मैं। सैम, सैम, इस दलदल से मुझे निकालो प्लीज। मदद करो भाई मेरी। सिक्योरिटी इंचार्ज होने के नाते ये सारा सारा इल्जाम मेरे ऊपर आने वाला है। पता नहीं कौन से आतंकवादी संगठन के साथ सौदा किया इस माफ्रोस ने। आईएसआई के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हिंदुस्तानी प्रेसिडेंट में सबसे ज्यादा दिलचस्पी तो आईएसआई को ही हो सकती है। नहीं आईएसआई यहाँ पर आईएसआई स्विट्जरलैंड में है। हिंदुस्तानी प्रेसिडेंट का इस तरह किडनैप हो जाना, आईएसआई का मेरे जरिए ड्रग्स का इतना बड़ा कंसाइनमेंट मंगवाना, ये सब कनेक्टेड मालूम होता है। यू आर राइट, ये एक बहुत ही जबरदस्त इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, लेकिन ये देशों की आपसी लड़ाई है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। इसमें इन्वॉल्व हो जाने की कोई जरूरत नहीं है सर। जरूरत तो है ब्रायन, जरूरत है। सुरमा पार्टी ने झूठ बोला है मुझसे, रंगबाजी की है उन्होंने, इसका हर्जाना तो उन्हें भरना पड़ेगा, उनकी पर्ची फाड़नी पड़ेगी। सैम, I will not let you become involved in an international terrorist conspiracy. ब्रायन, तुम भूल रहे हो, तुम अपना ही सबक भूल रहे हो। हमारे बिजनेस में इंसानियत, देश वेश की कोई कीमत नहीं है, सबसे जरूरी है पैसा। इस आईएसआई का ढोल तो अब मैं बजाऊंगा। सैम, सैम, तुम्हारी आंखें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही खतरनाक खेल खेलने वाले हो। अरे भाई, अरे भाई, मैं तो यहां अपनी डूबती नैया पार लगवाने आया था और तुम लोग। देखो देखो सैम, मैं छोटा मोटा कर्मचारी हूं। नहीं प्लीज, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? देश की सुरक्षा का सवाल है ये। प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए और मैं देश के साथ कत्ता भी नहीं कर सकता। रिलैक्स परमार, प्लीज माय फ्रेंड, रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। तुमने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई। बंद करो ये फाइल, भूल जाओ इसे। और अब मेरा गेम प्लान देखो, इस आईएसआई को कैसे खदेड़ता हूं मैं। ये लोग समझते हैं कि मैं लोकार्नो का रहने वाला हूं। पता नहीं है इन्हें दिल्ली का हूं मैं, और दिल्ली का ठग भारी पड़ेगा सुरमा पार्टी को। इन सब सालों की कब्रें यहीं खुदवाऊंगा मैं, और $50 मिलियन भी मैं हजम कर लूंगा। यही तो मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है भाई। हाँ, मैं इंडिया के लिए जरूर काम करता हूं, लेकिन इंडिया टाइम्स के लिए नहीं। इंडियन आर्मी के स्पेशल ग्रुप फोर्स पायलट ट्रूपर्स रेजिमेंट से कैप्टन आतिदारी। हमारे प्रेसिडेंट और उनकी बेटी को रिजागो आइलैंड में नजरबंद कर दिया गया है, उन्हें कल सुबह वहां से सही सलामत निकालना मेरी ड्यूटी, मेरा मिशन। यानी कि उस दिन जब हम प्रेसिडेंट का इंटरव्यू ले रहे थे तो हम एक कैदखाने में थे। कैप्टन, तुम्हारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं, खतरा बहुत ज्यादा है, तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो आ रहे। अगर एक सिपाही अपने देश के लिए जान नहीं देगा तो हमारे सिविलियंस की, हमारे देश के बॉर्डर्स की रक्षा कौन करेगा बंधु? मैं तुम्हारे साथ हूं आदित्य। Yeah.
जैसे तुम्हें समझाया वैसे ही कर। प्रेसिडेंट और उनकी बेटी को तो मैं एयरपोर्ट तक पहुंचा दूंगा, लेकिन अगर मैं 10 मिनट में बाहर नहीं आया, मेरा इंतजार मत करना। न्यू दिल्ली में मिस्टर गुजराल को फोन कर देना। That's right. And भटनागर. Yeah. अलीशा को इंडिया तक पहुंचा देना। Don't worry, Captain. अपना ख्याल रखना। Thank you. Good luck. अलीशा. See you soon. आदित, शायद ही मौका ये बात कहने का नहीं है, ये तुम्हारा मिशन है, ड्यूटी तुम देश के लिए कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए वापस जरूर आना। Indian Army. Where's the President?